व्हाट्स गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं स्कूल में हूँ एंड आज मैं स्कूल का पूरा टूर दिखाने वाला हूँ। सो जितना मेरे से हो सकता है मैं पूरा सब कुछ। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग फ्रॉम हॉस्टल एंड इसके बाद प्रिंसिपल हाउस चलेंगे। सो गाइस ये अपना हॉस्टल है, गेट खोलो भाई। ऐसा हॉस्टल अभी रिपेयर हो रहा है। सो गाइस हॉस्टल अभी बंद है क्योंकि अभी रिपेयर हो रहा है, सो दिखा नहीं पाएंगे। अभी स्कूल का ब्लॉग दिखाते हैं। अब ये हॉस्टल है एंड अभी रिपेयर हो रहा है। ये पीपल का पेड़ है एंड अगर इधर से पीछे से जाएंगे एंड ये रहा बैंक, इधर बैंक है। हॉस्टल का बैक साइड है, दिस इज़ अ बैंक। और अगर आप वहाँ से जाओगे तो वहाँ से ऊपर छत, हॉस्टल के छत पे पहुँच जाओगे। और ये अपना ग्राउंड है, अभी उधर जाने वाले हैं। और यहाँ से ऊपर जाओगे तो ऊपर जाने का ये, एंड इसके पीछे प्रिंसिपल हाउस है, अभी उधर चलते हैं। ये रहा ग्राउंड। गाइस दिस इज आवर स्कूल प्रिंसिपल हाउस। अभी तो नहीं रहती प्रिंसिपल, बट इन फ्यूचर शायद रहने वाली है या रहने वाला है। ये अभी रिपेयर हो रहा है। सो गाइज लेट्स गो अंदर, क्या क्या है देखते हैं। और ऐसा आज तक किसी ने नहीं दिखा होगा बट मैं दिखा रहा हूँ। सो लाइक शेयर सब कुछ कर देना, बहुत मेहनत लगी है इसमें। सो गाइज अंदर से कुछ ऐसा है और एंड तक देखते रहिए। अभी प्राइमरी विंग, सेकेंडरी विंग, ग्राउंड सबका ब्लॉग आने वाला है। एंड गाइस जो ये सामने है ना, ये बायोडिग्रेडेबल गैस है, ये हॉस्टल में कनेक्टेड है किचन में। और चलो बाहर चलते, इतना ही था। अब चलते हैं ग्राउंड की तरफ एंड प्राइमरी विंग। एंड गाइस जो मेरे आगे चल रहा है ये कार्तिक है, हमारे ग्रुप का सबसे फनी लड़का। एंड गाइस प्लीज कमेंट डाउन यू ऑल आर मिसिंग दिस स्कूल, और आपकी इसमें क्या क्या यादें जुड़ी हुई है कमेंट करिए। ये बास्केटबॉल कोर्ट है एंड ये अपना ग्राउंड। एंड ये हॉकी ग्राउंड है और ये बास्केटबॉल कोर्ट। एंड गाइस जो ये सामने है ये रोबोटिक्स लैब और ऑफिस है इसमें। और चलो चलते आगे। एंड ये सेकेंडरी विंग है, इधर कितने 6 to 10th का है, ये 6 to 10th का विंग है। एंड ये रहा ये स्पोर्ट रूम एंड वो सब ग्राउंड है। एंड वो जो है बास्केटबॉल कोर्ट एंड असेंबली ग्राउंड, असेंबली भी होती है और बास्केटबॉल भी खेलते होते। APS स्टूडेंट यू शुड फील प्राउड क्योंकि हमारे स्कूल से एक्टर प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, इंडियन फुटबॉल कैप्टन सुनील छेत्री, चेतन भगत एंड बहुत सारे हमारे स्कूल से पास आउट है। सो यू शुड फील प्राउड। ये असेंबली ग्राउंड एंड बास्केटबॉल कोर्ट, इधर बास्केटबॉल भी खेलते हैं और असेंबली भी होती है। एंड वो जिमनास्टिक, पहले जिमनास्टिक स्टेडियम वो था बट अभी खाली है। जो वो है वो वॉलीबॉल उधर खेलते हैं, वॉलीबॉल का दो ग्राउंड है, एक वो और एक ये। एंड जो ये सामने ये कैंटीन है, ये कैंटीन बंदा 10 रुपये का समोसा खरीदता था, पीछे से दस लोगों का हाथ आता था और बंदा बस देखता रहता था मेरा समोसा कहाँ चला गया, 2 मिनट में ख़त्म। एंड गाइस इस कैंटीन में हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई है, फ्रेश का स्प्रिंग रोल, चिली पटेटो, समोसा, लड़ाई। सो गाइस ये प्राइमरी विंग, 1 to 5th प्राइमरी विंग। इधर बहुत यादें जुड़ी हुई है, बचपन में इधर खेलते थे। ये पहले फुटबॉल ग्राउंड होता था, अभी भी है पर अभी अच्छा हो गया है। पहले तो इधर मिट्टी वाली थी और ये बास्केटबॉल कोर्ट, अभी इधर कोई खेलते भी नहीं है। एंड ये टेनिस ग्राउंड, इधर खेलते थे टेनिस हम भी, और वो झूले वूले सब। हाँ भाई इतने लंबे लंबे। और ये रैंप यहाँ से ऊपर जाता है और वो सामने झूला, ये झूले में इतना खेले, इतने खेले। देखो इनको अभी आए हुए 2 मिनट भी नहीं हुए, इनको खेलना है इतने गर्मी में।
भाई आराम से भाई जल जाएगा। भाई कार्तिक कैसा लग रहा आपको? Yep, guys. ये है गाइस प्राइमरी विंग 1 to 5th का, 1 to 5th क्लास का ये है। एंड ये अपने स्कूल का ग्राउंड प्राइमरी विंग का। एंड ये जंगल, बचपन में हमें इधर बोलते थे सांप निकलता है और पता नहीं क्या क्या, बट आज तक कभी निकला ही नहीं। भाई आपको कैसा लग रहा है मस्त हमारा स्कूल देख के? एकदम मस्त। आप कौन से स्कूल से हो? केवी। हाँ, केवी का कैसा स्कूल है? बकवास। क्या कर रहे हो, तारीफ तो कर दो भाई, केवी वाले नाराज मत हो जाने, ऐसे बच्चा है। एंड ये झूला, बचपन में हम इधर झूलते थे और हमारा कॉम्पिटिशन होता था ऊपर टच करने का, जो पहले टच करेगा वो जीतेगा। और बहुत लोगों को इधर चोट भी लगा। हाँ भाई झूलो। और भैया अभी पेंट कर रहे हैं, बिल्कुल न्यू बना रहे हैं, अभी कोरोना के कारण बहुत पुराना पुराना हो गया। इधर तो भाई अभी देखो न्यू हो गया, बिल्कुल पेंट कर रहे हैं, अभी फुल न्यू है। झूला था ये झूला सबसे बढ़िया था भाई। ओ मुंडी नीचे कर लो, लगुक जाएगा। गाइस ये किसको याद है ये वाला झूला, कमेंट में बताना जरूर। कौन करता है भाई, प्लीज भाई जिम कौन करता है भाई, जल्दी करो भाई, अपनी बॉडी बनाओ जल्दी। कौन करता है भाई जिम? चलो सुल्तान, खून में तेरे मिट्टी। वो घाट देख लेगा, घाट देख लेगा। और गाइस ये जंगल है और इधर पहले हमें यहाँ से जाने के लिए मना करते थे, बोलते थे सांप वाप आ जाता है। और ये पूरा जंगल है, अगर यहाँ से आप पीछे जाओगे तो ताज होटल है। हाँ भाई कैसा जगह है? बहुत सही है भाई का डांस, फिर से भाई, फिर से, फिर से। चलो उधर चलते, उधर पीछे पहाड़ की तरफ। ये अभी घास की सफाई हो रही है, भैया घास की सफाई कर रहे हैं। वैसे पहले बहुत हरा भरा था और ऐसा नहीं था, बहुत मतलब बहुत सॉफ्ट घास थी इधर। एंड हम इधर बहुत खेलते थे, टीचर्स उधर जाने के लिए मना करते थे एंड उसके पीछे। और ये फूल है, अभी स्कूल की रिपेयरिंग हो रही है। और गाइस इधर है कुआं, जब हम बचपन में छोटे थे तो इधर मना करते थे आने के लिए। एंड आज तक मैंने इसको ढंग से देखा नहीं, आज देखते कितना गहरा कुआं। लो भाई कट गया मेरा, मेरे को लगता था ये बहुत गहरा होता था, मुझे लगता था ये बहुत गहरा होगा बट गहरा ही नहीं है देखो। एंड ये पत्थर है, ये सबसे बढ़िया इधर का जगह, लोकेशन बहुत अच्छा है इधर का। पहाड़ भाई पहाड़ों में, पहाड़ों में खींच भाई मुझे, माउंटेन क्लाइंबिंग सस्ता सस्ता माउंटेन क्लाइंबिंग आना भाई। गाइस अभी हम सस्ते माउंटेन में, कुछ ऐसा है उधर से गिरने का बहुत डर है, गिर गए तो बहुत गहरा ही है। गाइज अभी हम प्राइमरी विंग के अंदर जा रहे हैं, ये पीछे से ये जो उधर झूला है वहाँ, ये झूले हम जब मैं पढ़ता था 5th क्लास में तभी भी मैं झूलता ही नहीं था इधर। भाई क्या कर रहे हो बंदर? ओ बंदर, ये झूला है ये तो बहुत पुराना हो गया, ये तो परमानेंटली चिपका दिया हुआ। और यहाँ से अंदर जाते बट हम फ्रंट से जाएंगे। और एक झूला है, ओ भाई वो क्या है,
ये कैसा टंकी है भाई अंदर? फिर से चलो। ओ वाह भाई वाह वाह। Oh my God! Wow! वाह वाह। और ये गमले, ये साइंस पार्क है। साइंस पार्क है ये, बहुत अच्छा है। अब यहाँ से हम प्राइमरी विंग जा रहे हैं फ्रंट की तरफ, और कुछ ऐसा साइंस पार्क। ये झोपड़ी है, बंद है, पता है इसके अंदर क्या रखा है। चलो भाई पानी पीने चलते हैं कुएं के अंदर। टंटना, नकली कुआ है। अच्छा था इधर हम आते थे पढ़ने के लिए। एंड अभी उधर वो देखो, वो देख रहा हूँ वो हल्का सा, वो एरोप्लेन है, उधर भी चले गए। अरे स्कूल बहुत अमीर है। अभी दिखाऊंगा एरोप्लेन कैसा है। भाई मेरा वेट करो। गाइस हियर वी गो प्राइमरी विंग। अभी ये न्यू बना है, पहले ऐसा नहीं था ये, ये अभी बना है, एक साल हो गया। और वो रहा एरोप्लेन, अभी जाएंगे उधर भी। ये प्राइमरी भाई अंदर चलते हैं। क्यों आओ ना अंदर चलते हैं ना घूमने तो एक बार। चलो अंदर, तो मैं जाके आता हूँ। तो ये प्राइमरी विंग है एंड ये सैनिटाइजर है अभी कोरोना के कारण। यहाँ पर वन टू फिफ्थ का ये है। और इधर ये प्रिंसिपल मींस कोऑर्डिनेटर, 1 to 5th का प्रिंसिपल। एंड ये कॉरिडोर पहले से बहुत अच्छा बनाया है, वरना पहले हमारे समय में तो ऐसा नहीं था, है ना निशांत भाई? हमारे समय में था ऐसा नहीं भाई। अभी कितना अच्छा बनाया भाई, जैसे हम आउट हुए वैसे बना दिया। अपनी किस्मत ही खराब है। हाँ ये तो बात है। और इधर जाओगे तो उधर टॉयलेट एंड वॉशरूम ये सब है। एंड ऊपर चलो, ऊपर भी जाके आते हैं। वहाँ पर हम बहुत खेलते थे, वो पकड़ के खींचते थे, खींचते लाते थे। और अभी रिपेयरिंग हो रहा है पानी, और ये टॉयलेट, और ये कॉरिडोर, ये पूरे क्लास है। एंड वॉशरूम, ये है हमारा वॉशरूम, बॉयज वॉशरूम, देखते हैं ये ऊपर इधर इधर, ठीक है। और ये ऊपर इधर, और यहाँ से उस साइड जाओगे तो वो सामने वाला है। और ये इधर ये है, एंड ये वाटर, सेव वाटर, सेविंग वाटर इज योर बेस्ट, यस इट्स ट्रू। एंड ये बॉयज टॉयलेट है, इधर भी जैसा इधर है ना सेम सेम वैसे उधर भी है। एंड ये एग्जिट पॉइंट है, गेट खोलो गेट खोलो। वो देखो वो क्या कर रहा है, वो बंदर, उस बंदर को देखो। हेलो बंदर, मंकी, मंकी इज द किंग। और हमारे समय में हाँ इधर ये पानी पीने का होता था, बट अभी नहीं है। और ये, और हाँ वो कैंटीन, 1 to 5th के लिए वो कैंटीन है। एंड कैंटीन का खाना वो उस वाले में बनता है, उस वाले में। और इसके नीचे कंप्यूटर लैब है, ये कंप्यूटर विंग है। और वो इधर है, अरे पेड़। चलो हम आपको एरोप्लेन दिखाते हैं। स्कूल वालों बहुत अमीर है भाई, उनका पर्सनल एरोप्लेन भी है। वो देखो जेट, हाँ जेट जेट। और ये गेट, ओ भाई ये कब बना दिया, ये सही है। एंड ये कैंटीन है, कांड इन्फॉर्मेशन, ये नकली है, असली नहीं है। हाँ नकली है। और इधर ये सब रोड, एंड इधर ये बस, बस सारे खड़े इधर होते हैं छुट्टी टाइम। चलो चलते हैं उधर। सो गाइस ये एक्टिविटी ब्लॉग
बंद है और इधर बैठते हैं, बैठने का हुआ और ये है मेरा 11 टू 12 का, ये है 11 टू 12 इस वाले मल्होत्रा ब्लॉक के, इसका नाम मल्होत्रा ब्लॉक है, इधर पढ़ते हैं। एंड ये है एक्टिविटी ब्लॉक, इसके ऊपर ये इसके ऊपर पूरा म्यूजिक का वो है, कोई म्यूजिक रूम है और ये नीचे कंप्यूटर क्लास एंड मेडिकल रूम, मेडिकल रूम कंप्यूटर क्लास इधर है, यहाँ से कुछ ऐसा है। ये है एक्टिविटी ब्लॉक, ये इधर वो सामने सामने वो कंप्यूटर लैब है एंड मेडिकल रूम सब इधर है, बॉयज टॉयलेट टॉयलेट एंड इधर काउंसलर, ये काउंसलर रूम है एंड वो मेडिकल रूम है। और एंड गाइज अगर आप यहाँ से ऊपर जाओगे तो ऊपर डांस रूम, प्ले मॉडलिंग, म्यूजिक ये सब का रूम है। गाइज मैं दिखाता बट रूम सब क्लोज है इसीलिए मैं दिखा नहीं पाऊँगा। तो दिस इज मल्होत्रा ब्लॉक 11 टू 12 का यही है और ऑडिटोरियम उधर भी चलेंगे अभी। क्लास ये मेरी क्लास है ये। चलो गाइस पानी पीते हैं, भाई पानी पी लिया, ठंडा क्या नहीं। ये पूरा नोटिस बोर्ड है, एंड इधर लैब है केमिस्ट्री लैब, केमिकल्स केमिकल्स सब रूम है। ऊपर जाने का टोटल 3 फ्लोर है इस वाले ब्लॉक में एंड कच्चा गैंग। ये नोटिस बोर्ड है सब, हाँ भाई सस्ता ब्रूसली। साइलेंट जोन एंड ये टॉयलेट है भाई, ठंडा। क्लास 12th जे 12th एफ ऐसा कुछ क्लास है और एग्ज़ाम के टाइम ये था मेरा क्लास जो कि मेरा फेवरेट था। इधर जाओगे तो ये क्लास है, इधर ये है अपना क्लास, ये स्मार्ट बोर्ड किसी की बोतल भरी हुई है ये और इसके अंदर क्या है, नथिंग। हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा। सो गाइस ऊपर भी सेम ऐसे ही है, सो ऊपर नहीं जा रहे हम, अब हम दूसरा चलते नहीं अब। एंड गाइस दिस इज आवर स्कूल ऑडिटोरियम, इट्स लाइक सिनेमा हॉल बट इट्स नॉट इन रियलिटी। यहाँ पर फंक्शन ये सब कराया जाता है, फंक्शन कोई कुछ भी होता है लाइक डांस कॉम्पिटिशन और ऐसे ही। एंड गाइस ये सेकेंडरी विंग 6th to 10th का ही है, ये पूरा 6th to 10th के लिए। एंड यहाँ से ऊपर जाते हैं, 2 फ्लोर है टोटल एंड इसके पीछे भी है, सो अंदर वैसे जाने इधर गेट बंद है सो जा नहीं सकते, ऐसे ही है। चलो यहाँ से चलते हैं अंदर से, यहाँ से कैंटीन लगता था छुट्टी टाइम और बहुत भीड़ रहता था इधर, सारे इधर ही आते थे। कितना गेट खुला ऑडिटोरियम, आपको मैं ऑडिटोरियम का भी टूर देता हूँ। ये ऑडिटोरियम के बैक साइड का ये, यहाँ से ये कूलर टाइप का अंदर हवा जाता है, थैंक यू। और ये है हमारा ऑडिटोरियम, वेयर मास्क हर जगह, वेयर मास्क साइलेंस, ये कुछ ऐसा है।
सो गाइज चलो ऊपर चलते हैं और 6th to 10th का कॉरिडोर क्लासरूम देखते हैं। मैंने सुना है कि कुछ चेंजेस भी हुए हैं उधर, सो देखते हैं क्या क्या हुआ चेंजेस। वाओ गाइस देखो कैसे क्लास हो गया पहले से कितना। अरे देखो ना भाई, ओए भाई स्कूल अमीर हो रहे भाई। हाँ सो गाइस चलो चलते नीचे ऑफिस की तरफ और देखते हैं। पानी पीते हैं। हाँ कुछ पेंट है एंड गाइस ये कुछ लिख रखा है मिशन विजन एंड हाँ ये स्कूल 1953 में स्टार्ट हुआ था विथ 21 स्टूडेंट्स 2 टीचर्स। और जो ये है ये कारगिल विजय दिवस में शहीद हुए थे, हमारे स्कूल से पास आउट हुए थे जहाँ तक मुझे पता है। एंड गाइस ये है टॉपर्स के नाम, अब इसमें जुड़ते रहते हैं हर साल जो न्यू टॉपर्स होते हैं उनके नाम जुड़ते हैं इसमें। एंड गाइस दिस इज एवी रूम। एंड गाइस ये ट्रॉफी और अचीवमेंट जो भी है, अभी तो बहुत थे बट अभी जो स्पेशल है वही रखा है मुझे लगता है। सो गाइस कुछ ऐसा है ऑफिस। एंड गाइज इस फोटो में मैं भी हूँ, 3 साल पहले कारगिल विजय दिवस हुआ था तो उसमें मैं भी गया था, पार्टिसिपेट किया था। गाइज ये जो सामने ये स्टाफ क्वार्टर्स है। हाँ हाँ टीचर्स क्वार्टर है तो ये स्टाफ क्वार्टर है। अगर आप यहाँ से सीधा जाएंगे तो वो टैंकी है और ये भी स्टाफ क्वार्टर है और वो मंदिर है। एंड जो ये धोबी घर है और वो सामने टैंकी है, बस इतना ही को देखिए गाइस कैसे बैठे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट शेयर एज मच एज यू कैन एंड प्लीज कमेंट डाउन आप कौन से स्कूल से हो एंड अगर आप स्कूल से हो या थे तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस एंड एक अच्छा सा स्टोरी शेयर करिए एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।